हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं यूटी के अनबॉक्स। और आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ इस कोडेक के M11 लेवलियर माइक्रोफोन की। तो ये मैंने डुअल रिकॉर्डिंग सेटअप बनाया है, तो आप बताना कैसा लग रहा है। और ये मैंने मंगाया फ्लिपकार्ट से, तो इसका बॉक्स ऐसा दिखता है। इसके ऊपर फ्लिपकार्ट की एक बॉक्स पैकिंग आती है और इसके अंदर आपको ये वाला ऐसे माइक मिलता है। पीछे जो स्पेसिफिकेशन है आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और MRP इसकी लिखी हुई है 1999, लेकिन इसका जो प्राइस है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। कभी 1000 का मिलता है, कभी ये 700 रुपये का मिलता है। और मैंने जब इसको ऑफ़र में देखा 499 का, तो मैंने इसको तुरंत से परचेज़ कर लिया। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई सील वगैरह तो है नहीं इसके ऊपर, तो ऐसे ही इसको खोल लेते हैं हम। और इसके अंदर आपको इसका एक पाउच मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। तो पाउच के अंदर ही आई गेस सब कुछ है। तो पाउच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। पहले सारे कंटेंट्स बाहर निकाल लेते हैं। और ये क्या है, ये भी एक छोटी सी चीज़ है, चलिए देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले ये माइक दिख रहा है मेरे को, ये एक लेवलियर माइक है। और मैं बताऊंगा आपको मैंने ये वाला माइक क्यों लिया, जबकि ऑलरेडी मेरे पास ये माओनो का ये वाला माइक है। तो नॉर्मली मैं इसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ अपनी जितनी भी सारी मैंने किया। और मेरा एक और माइक है जो खाली लैपटॉप में लगता है, तो अलग से ये वाला माइक लिया था, क्योंकि ये वाला माइक कैमरे और फ़ोन दोनों में लग जाता है। वो वाला जो माइक है वो USB वाला है, उसकी भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने डाल रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो ये वाला माइक मैंने क्यों लिया है अलग से, लाइक मैं माइक की दुकान क्यों लगा रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए माइक लिया है, क्योंकि साथ में ये वाली एक्सेसरी मिलती है। तो इस एक्सेसरी के बारे में तो मैं बताऊँगा, पहले आपको माइक दिखा देता हूँ। तो ये माइक, बाप रे बाप, इसकी जो वायर लेंथ है भाई, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि वायर अगर आपने एक बार खोल ली अच्छे से तो काफ़ी ज़्यादा उलझने का चांस है। बट ये अच्छा है कि ज़्यादा लंबी वायर मिली है, तो आप इसको बहुत अच्छे दूर में अपना कैमरा भी रख के आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जो मेरा पुराना ये वाला माइक था, इसकी वायर लगभग एक नॉर्मल USB केबल जितनी चार्जिंग होती है उतनी होती है, तो थोड़ी सी वायर लेंथ में वो कम लग रही थी। और ये उसके वाली लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ में आपको ये मिलता है, ये है एक TRS to TRRS वाला कन्वर्टर, जो कि अगर आप किसी और कंपनी का देखोगे, जैसे मेरे पास में रोड का वीडियो माइक रो भी है, तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो कैमरे के साथ तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आपको किसी और चीज़ में इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, लाइक अगर उस माइक को अगर आपको किसी और डिवाइस में लगाना है, जैसे लैपटॉप में या फ़ोन में, तो उसके लिए फिर आपको ये वाला कन्वर्टर लेना पड़ता है। और रोड का जो कन्वर्टर आता है वो आता है कुछ 1000 रुपये का, और एक बोया का कन्वर्टर आता है, उसका स्क्रीनशॉट आप देख लो, वो आता है लगभग 500 रुपये का। तो 500 रुपये खर्चने का अच्छा, मेरे को 500 रुपये में ये वाली एक्सेसरी भी मिल गई और एक साथ में एक कोडेक का माइक मिल गया। तो इसलिए जैसे मैंने देखा तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो ये माइक है, और इसके साथ में आपको ये वाली एक केबल मिलती है, जो आपका कनेक्शन जो है TRS से TRRS वाले कनेक्टर में उसको ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसके अंदर जो आपका डिफ़ॉल्ट आता है वो आता है आपका कंप्यूटर वाला माइक पोर्ट, और जो ये वाला एक्सेसरी है इसके थ्रू आप अपने न्यू जो लैपटॉप आते हैं जिसके अंदर खाली सिंगल माइक पोर्ट होता है, हेडफोन और माइक पोर्ट दोनों, उसके अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, एल्स अपने फ़ोन में भी इसको लगा के ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेरा पुराना माइक था, तो उसका मैं आपको अगर दिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि एक्चुअली उसी से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसके अंदर जो है वो पहले उसके अंदर आपको ये वाला कन्वर्टर मिलता है जो डायरेक्ट जो माइक से निकलता है, और फिर उसके साथ में एक एक्सेसरी है जिसके थ्रू आप उसको कैमरे में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाली जो एक्सेसरी है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे प्लग इन कर लोगे तो ये तब भी एक काफ़ी छोटा सा पोर्ट बन जाता है, जो कि आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में लगा के यूज़ कर सकते हो। और जो माओनो वाला है उसके अंदर क्या रहता है कि वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसका जो साथ में जो कन्वर्टर दिया है उसकी वजह से वो थोड़ा सा लंबा निकल के वो बाहर आता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ इसके अंदर। और चलिए इसके साथ में देखते हैं, इसके साथ में आपको एक लेदर पाउच मिला है जिसमें कोडेक की ब्रांडिंग कर रखी है। लेदर पाउच में से कोई भी स्मेल नहीं आ रही, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसका मतलब ये है कि ये अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर ओरिजिनल लेदर तो नहीं होगा, बट रेजिन लेदर भी यूज़ किया, तो उसमें से अगर स्मेल नहीं आती तो मतलब अच्छी क्वालिटी की पाउच इसके साथ में दिया गया है। और इसके अंदर की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, कपड़े का मटेरियल है, जिसका मतलब कि ये अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा फटेगा नहीं, और आपके माइक को प्रोटेक्टेड रखेगा।
इसके साथ में आपको ये मिलता है एक, और इसको बोलते हैं डेड कैट फिल्टर। वाह, लाइक 500 के माइक में मेरे को ये भी मिल गया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो जो ये इसके साथ में जो स्पंज वाला मिलता है कवर, वो भी उतनी अच्छे से विंड नॉइज़ को रिड्यूस नहीं कर पाता जितना कि ये डेड कैट फिल्टर करता है। तो जैसे जो रोड के साथ में वो फ्री आता है डेड कैट फिल्टर, तो इसके साथ में आपको ये दे दिया गया है जो कि आपको नॉर्मल माइक के साथ में नहीं मिलता। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इसको यूज़ करना, और इसको लगाना भी काफ़ी इजी है, ऐसे करके लग जाता है। और थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, बट ठीक है, लाइक ट्राई करके देखेंगे इसके अंदर से कितना वो नॉइज़ रिड्यूस होता है। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा नॉइज़ रिड्यूस करेगा। और ये है बहुत सॉफ्ट, लाइक इसके ऐसे वाले मटेरियल का तकिया बनने लग जाए तो क्या बात होगी। तो चलो अब इसकी अब साउंड सैंपल, और साउंड सैंपल तो सुनना ही चाहोगे, तो इसका साउंड सैंपल मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैं अपना मोनो वाला माइक जो है वो डिस्कनेक्ट करता हूँ, और ये वाले माइक से अब रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने अब कोडैक वाला माइक अपने साथ में कनेक्ट कर लिया है, और ये मेरा मोनो वाला माइक है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था, ये वाली जो एक्सेसरी आपके साथ में मिलती है इसको कनेक्ट करने के लिए कैमरे के साथ में, तो आप ये देख रहे हो इसका जो पोर्ट है कितना लंबा हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल होती है ऑपरेट करने में। तो जो ये वाली जो एक्सेसरी है, ये वाली काफ़ी हेल्प करती है, और आप देख सकते हो आप उसको भी साथ में ऐसे कनेक्ट करके ऐसे भी काम चला सकते हो, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अब आप क्वालिटी में डिफरेंस बता सकते हो कैसा लग रहा होगा मोनो के कंपैरिजन में। तो मैंने मोनो का जो माइक है ये वाला इसलिए भी मैं थोड़ा कम यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके अंदर से एक थोड़ी सी हिसिंग टाइप की साउंड आती है जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है एडिटिंग के टाइम में उसको निकालने के लिए, और मेरे को नहीं पता ये वाली साउंड क्यों आ रही है इसके अंदर, तो कुछ कर नहीं सकते। और एक चीज़ ये है कि जो मोनो वाला माइक है ये प्लास्टिक बिल्ट है, और ये वाला जो है ये पूरा इसका जो माइक का पूरा पोर्शन है और सब कुछ पूरा मेटल बिल्ड है। तो एक ये भी फ़र्क है दोनों में, आपने ज़्यादा पैसे दिए तो थोड़ा बहुत अच्छा मिलता है, और कोडैक की ब्रांडिंग तो है ही अच्छी है, बट मोनो के कंपैरिजन में नहीं बोल सकते। मोनो तो स्पेशलाइज करता है कि अपने हेडफोन और उसके माइक काफ़ी फेमस हैं। और चलिए अब मैं ये वाला रिमूव करता हूँ इसके ऊपर से फ़िल्टर, खड़खड़ बहुत आएगी आपको भी, और ये डेड कैट वाला फ़िल्टर लगा के देखते हैं। ये वाला डेड कैट वाला फ़िल्टर लग गया है, और अब थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि अब क्या लगा लिया यहाँ पे, बट ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग रोड का वायरलेस को भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखता है, एक बड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक लग जाता है। तो ये वाला वैसा टाइप का लग रहा होगा, और अब आप बता सकते हो कैसा फ़र्क दिख रहा होगा आपको, साउंड में कुछ फ़र्क आ रहा होगा। मैं काम करता हूँ, अपने रूम का पंखा चालू करता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी देखो पूरे पसीने में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो पंखा चालू करता हूँ, उसके थ्रू हमको पता चलेगा कि विंड नॉइज़ कैसी रिड्यूस करता है ये वाला फिल्टर। ये तो मेरे रूम में जो फ़ैन है पूरा फुल स्पीड पे चल रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। मैं पहले अपना मोनो वाला माइक जो है वो वाला कनेक्ट करता हूँ कैमरे में। तो अब आपको जो आवाज़ आ रही होगी वो मोनो के माइक से आ रही होगी, और अब आप देख पाएंगे या सुन पाएंगे एक्चुअली में कि साउंड रिडक्शन कैसा है इसका। मैं इसका फ़िल्टर भी उतार देता हूँ, तो ये है मोनो वाले माइक की क्वालिटी फ़िल्टर लगा के। और अब मैं मोनो वाला माइक डिस्कनेक्ट करता हूँ, और अब लगाता हूँ जो मेरे यहाँ पे लगा हुआ है कोडैक वाला माइक। तो अब मैंने कोडैक वाला माइक कनेक्ट कर दिया है, तो अब आप पता सुन सकते हो कि कैसा नॉइज़ रिडक्शन हो रहा होगा। और मैं इसके ऊपर से ये वाला डेड कैट फिल्टर भी हटा देता हूँ, तो आप सुन सकते हो कि कैसा नॉइज़ रिडक्शन हो रहा होगा। और उसके साथ में जो फोम वाली आई थी, एक बार उसको भी लगा के देखते हैं। तो चलो अब मैं इसको कंप्यूटर में एक बार जाके सुन लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसी इसकी ऑडियो क्वालिटी है, और फिर मैं उसके बाद में जाके आपको फाइनल रिव्यू देता हूँ। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अब तक तो आप सुन ही चुके होंगे दोनों की आवाज़, और फ़र्क भी पता चल गया होगा दोनों में, यानी कि मोनो AU400 और कोडैक M11 में बिल्कुल ना के बराबर डिफरेंस है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि AU400 उस हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कोडैक M11 का जो प्राइस है वो अराउंड 1400 चल रहा है, और इनफैक्ट अमेज़न पे भी अराउंड 1400 है। लेकिन आप मेरी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हो, इसको मैंने 19 जैन को मंगाया था 2021 में, तो तब ये 500 रुपये का मिल रहा था, इसलिए मैंने मंगाया था। लेकिन अभी तो इसके ऑलमोस्ट रेट जो हैं वो डबल हो गए हैं फ्लिपकार्ट में भी और अमेज़ॉन में भी।
तो इससे बेटर तो आप फिर कोई और माइक मंगा लो। अब ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं हमारे पास, एक तो बोया का BY-M1 बचता है, एक डिजिटेक का ये वाला माइक है, और एक है ये JBL का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबके साथ में ना ये वाला जो एक अलग से ये कन्वर्टर होता है जिसके अंदर बैटरी डलती है वो लग के आता है साथ में, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कंप्लेंट करते हुए कि इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो कुछ वार्निंग नहीं मिलती, और वो रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग एक्चुअली में हो नहीं पाती है क्योंकि बैटरी है जो है वो ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी, छोटी सी बैटरी होती है ज़्यादा चलती नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वाला माइक लिया था क्योंकि इसके अंदर कोई बैटरी लगती नहीं है, तो ये सीधा डायरेक्टली कैमरे के ही बैटरी से पावर लेके खुद को ऑपरेट करता है। फिर एक मेरे को ये दिखाया है स्मैशट्रॉनिक्स का एक ये माइक है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इसके लिए भले ही जा सकते हो। उसके साथ में वो कन्वर्टर भी मिलता है और साथ में केस भी अच्छा खासा मिलता है और 500 रुपये का खाली, तो उसके साथ में आप जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको वो माओनो का जो AU400 है उसकी वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उसके साथ भी जा सकते हो अगर आपका बजट कम है तो। अगर आपका बजट ज़्यादा है थोड़ा सा 500 रुपये तक खींच सकते हो तो ये ले सकते हो, क्योंकि माओनो का AU400 भी अराउंड अभी देखो 473 का चल रहा है, तो मैंने इसको लिया था अराउंड 270 का, तो इसके भी रेट बढ़ गए हैं। तो इससे बेटर है आप स्मैशट्रॉनिक्स वाला एक बार चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज़ JBL वाले के साथ में जा सकते हो, डिजिटेक वाला भी 700 रुपये के साथ में सही है, और बाकी अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप बोया का BY-M1 ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ और इसके ऊपर कुछ और कमेंट्स चाहिए होंगे, कुछ और रिव्यू कुछ करना होगा तो मेरे को आप बता सकते हो, और मेरे पास जितनी माइक्स है उनका मैं एक पूरा कंपैरिजन जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।